बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और अभी हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। टाइम काफ़ी हो गया है, 9:30 बज गए हैं, 10 बजे तकरीबन मार्केट बंद हो जाएगी। हम लोग जा रहे हैं आल्डी। आल्डी जो है मुझे बहुत पसंद है, बहुत रीज़नेबल प्राइजेज हैं इसकी और ये बरतानिया में पिछले साल सबसे चीपेस्ट सुपर मार्केट है शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए। और आल्डी का क़याम जो है 1946 में जर्मनी में हुआ था, तो ये जर्मन ब्रांड है। तो बरतानिया के हर शहर में जो है इसकी ब्रांच मौजूद है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेज हैं इनकी और नाइस फूड भी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की शॉपिंग यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो हमारे साथ रहिएगा। एक्सचेंज नाम है इस शॉपिंग सेंटर का। तो यहाँ पे ये पार्किंग है, आप 1.5 घंटा पार्क यहाँ पे गाड़ी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। लास्ट टाइम हमारी गाड़ी को जो है वो टिकट लग गया था, ग्रामा लग गया था, फाइन लग गया था। अरबी में ग्रामा बोलते हैं फाइन को, तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा। चलें आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे ऑफर्स में जो भी चीज़ होती है यूजली यहाँ पे पड़ी होती है। जी व्यूअर्स, हम लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ट्रॉली हमारे पास जो था वो कॉइन नहीं था, तो हमें वैसे ही ट्रॉली जो है वो कॉइन के साथ जो है वो मिल गई है। कॉइन के बगैर यहाँ पे आप ट्रॉली नहीं यूज़ कर सकते, तो 1 पाउंड कॉइन आपको ट्रॉली में डालना पड़ता है, तो फिर ही आपको जो है ट्रॉली मिलती है। तो अभी हम अपनी शॉपिंग शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरीज, पिक अप स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स ले लेते हैं। ओके, वी नीड एप्पल्स। पास्ता जो है वो ख़त्म हो गया है जो हमने लेना होता है। पास्ता सॉस ले लेते हैं। मोज़रेला चीज़, बर्गर चीज़, स्लाइस चीज़, मिल्क, मिल्क की डेट जो है वो 31 मई तक है। और
आ जाएंगे आगे। बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। थोड़ी सब्जियां आ गई, सब्जियां आलू ले लेते हैं। रेड आलू है, पटेटो 2.5 kg का है ये। प्याज, ब्राउन ऑनियन बंद करने का टाइम है, अभी सफाई सफाई हो रही है। नहीं डालू ये ड्रिंक बहुत अच्छा है, ऑरेंज फ्लेवर है और ट्रॉपिकल है, सिर्फ 49p का है। पहले यही 8 कोक जो थी तकरीबन 2.5 pound का मिल जाती थी, 3 pound, अभी 4.5 pound की हो गई। तो महंगाई यहाँ पे भी जो है काफ़ी हद तक पहले की नस्बत। लेमिनेट ले लेते हैं, ये भी 7 up की तरह है और ये सिर्फ 35p का है। कैश मशीन भी है यहाँ पे, अगर आपको कैश निकालना है, फ्री कैश मशीन है यहाँ। अब ये आ गया हाउस होल्ड एरिया, यहाँ पे आप घर की कुछ बुनियादी चीजें जो है वो। Dear customers, please make your way to the tills as the store will be closing shortly. तो व्यूअर्स अभी ऐलान हो गया है कि मार्केट जो है वो बंद होने वाली है। ये आ गया मेडिसन और हे फीवर टैबलेट। मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है हे फीवर की यहाँ पे, इंग्लैंड में आके आँखों से पानी आता है, ज़ुकाम होता है, तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छा है। पैरासीटामोल भी ले लेंगे। इसके अलावा टूथपेस्ट, हैंड वॉश है घर पे, बेबी वाइप्स ले लेंगे। ये फ्रीज़र की जगह है नाज़े, और आपको यहाँ पे काफ़ी जो है वो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको बड़ी मार्केट्स में मिलती हैं, सिमिलर है, लेकिन ये इनकी प्राइस जो है तकरीबन उनसे कम ही है। ये 79p की जो है चिप्स, चिप्स ऑन शुगर, चीनी 1 kilo जो है 65p की है। डोनट लास्ट टाइम बड़े मज़ेदार थे इनके, डोनट भी ले लेते। और यहाँ पे नान भी है, पैक नान। नान की हमें ज़रूरत है? नहीं है। ब्रेड चाहिए, ब्रेड। ये आ गया टॉयलेट का और लॉन्ड्री का सामान। तो यहाँ पे ब्लीच है, ये ब्लीच ले लेते हैं टॉयलेट क्लीनिंग के लिए। और इसके अलावा पिन बैग, आई थिंक बिन बैग मैं जो लेके जाता हूँ वो यहाँ पे है नहीं, शायद ख़त्म। ये वाले हैं जी, मिल गए, 2 ही पड़े थे, शुक्र। यस, टिश्यू पेपर भी हैं यहाँ पे। पिछले दिनों से काफ़ी शॉर्टेज चल रही थी टिश्यू पेपर बॉक्स की यहाँ पे।
किचन रोल, किचन टॉवल है ये। इस सेक्शन में स्पेशल बाय आइटम होते हैं, कभी कभी कुछ ऑफर्स भी लगी होती हैं जो बाहर की निस्बत यहाँ पे सस्ती लगी होती हैं चीज़ें। तो ये सेक्शन जो है ये भी बड़ा अच्छा है। तो हमारी तकरीबन शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने काफ़ी क्विकली शॉपिंग की क्योंकि स्टोर बंद होने लगा था। तो अभी कैश काउंटर पे चलते हैं, देखते हैं कितने पैसे बने। ये हम लोग क्यू में लग गए हैं, नंबर 2 नंबर क्यू में है। और यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट कस्टमर के लिए जो है वो बाहर रख दिए, अभी हम अपनी चीज़ें यहाँ रखते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरह नहीं है, आपको सामान अपना खुद ही ट्रॉली के अंदर जो है रखना पड़ता है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। तो अभी हम इसको बैग में खुद ही डालेंगे। तो हमारा टोटल बने हैं 32 पाउंड 94 पेंस। तो ये तकरीबन हमारी वीक की शॉपिंग हुई है ग्रोसरी की। अगर हम लोग ये बड़े स्टोर्स पे जाते हैं जैसे टेस्को है, आजरा है, तो तकरीबन वहाँ पे हमारे 50 या 60 पाउंड लग जाते, तो आधे प्राइस का तकरीबन फ़र्क पड़ ही जाता है अगर आप आल्डी में आए। तो मुझे ये पसंद है, मैं यूजली यहीं पे आता हूँ। इसके साथ नेक्स्ट डोर जो है गो इंडोर है, कैंपिंग वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे। और मार्क एंड स्पेंसर की भी ब्रांच यहाँ पे है, आप देख सकते हैं लास्ट में आउटलेट है मार्क एंड स्पेंसर की। और प्योर जिम भी है यहाँ पे, और नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी पार्किंग है, हम लोग ऊपर पार्किंग में हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्किंग जो है वो 1.5 घंटा आप यहाँ लगा सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा ऊपर लगाएंगे तो आपको टिकट या फाइन लग सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।